अरे भैया भैया जावेद जाओ यार, बाइट कर ले यार। तो हम भी कर लें कि नहीं करें? तुम पूरे पूरे लग गए, थोड़ा भाई कर लेने फोटो भाई आप क्या बैठ। भाई ओ भाई ओ भाई नहीं सुन रहा क्या? क्यों संगठन पर्व के अवसर पर स्वच्छता का अभियान भारतीय जनता पार्टी का एक गति के साथ मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता बड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैंने कल कहा था कि एक सप्ताह के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम हम 26.5 लाख तक कल ही पहुंच गए थे और हमारा 1.5 करोड़ का जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही सभी कार्यकर्ता हमारे अथक मेहनत परिश्रम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी माननीय जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम सदस्यता के अभियान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम पर इस बार फिर हम इतिहास बनाएंगे। आज आप सबको बताने में खुशी है कि आज इस संगठन पर्व के अवसर पर टीकमगढ़ नगर पालिका के 6 कांग्रेस के जो पार्षद और उसमें निर्दयी बाद में फिर वो कांग्रेस में रहे, आज सभी लोग 6 के 6 पार्षद टीकमगढ़ नगर पालिका के आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं उनको बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे संभाग के प्रभारी भाई मुकेश चौधरी जी, हमारे वहां के महामंत्री पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक भाई हरिशंकर खटीक जी, जिले के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष अमित मुन्ना जी के नेतृत्व में आज सभी 6 के 6 हमारे पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में
और आपकी ज्वाइनिंग का समय ऐसा है कि संगठन का पर्व है और संगठन के पर्व में आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार की यात्रा लगातार बढ़ रही है। टीकमगढ़ के अंदर कई प्रकार की ऐसी चीजें थी जो कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष की दुरावस्था के दौर के कारण कई प्रकार की चीजें जिनको आज उन सभी पार्षदों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर हम अपने टीकमगढ़ नगर की अपने वार्ड की सेवा कर सकते हैं, तो आज वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण किए। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। सतना नगर के अंदर आपने देखा होगा कि तथा कथित कुछ लोगों ने ये प्रयास किया था वहां के निगम के अध्यक्ष को लेकर के अविश्वास लाने का काम, लेकिन आपको बताने में मुझे हर्ष है कि कांग्रेसी आपस में ही लड़े और अंदर ही अंदर सब कुछ चला और मैदान छोड़ करके भाग गए। और आज सबसे बड़ी खुशी है कि 6 पार्षद तो हमारे आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मैं मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी अथक मेहनत और परिश्रम प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, गरीबों का जनता के प्रति, गरीब जनता का भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद, हमने विधानसभा में रिकॉर्ड बनाया था, हमने लोकसभा के अंदर 29 के 29 सीटें जीत करके जनता ने आशीर्वाद दिया। आज मुझे मीडिया के मित्रों को बताने में गर्व है कि हमारी केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो गुड गवर्नेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ और विकास, इस मुद्दे पर आज 19 उपचुनाव जो वार्ड पार्षद के उपचुनाव का आज परिणाम आया है, मुझे आपको बताने में गर्व है 19 में से 13 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड मतों के साथ हम चुनाव जीते हैं। 19 में से 13, 4 कांग्रेस के जीते हैं और 1 निर्दलीय मेरी बहन विनीता परमार रतलाम से भारतीय जनता पार्टी के हमारी कार्यकर्ता थी है, उसने अभी मुझे बता करके उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की थी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ ली थी, उसने भी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त कर दिया है। तो 19 में से 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के आज रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता है, ये साबित करता है ये जो तथा कथित लोग, ये कांग्रेस के तथा कथित केवल और केवल विपक्ष में रहने के लिए राजनीति करने वाले लोग जो बातें करते हैं उनको जनता जवाब आज भी दे रही है। ऐतिहासिक बहुमत से जनता का आशीर्वाद, जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जो जो भी हैं वो सुन लें, आज भी जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है, जनता आशीर्वाद दे रही है और इसलिए ऐतिहासिक बहुमत से 19 में से 14 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के, नगर पालिका के वार्ड पार्षदों के उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से विजयश्री हासिल की है। मैं उन सभी को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं, पूरे नेतृत्व को, उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत धन्यवाद और उनकी अथक मेहनत और परिश्रम है। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र है जो हम कहते हैं कि संगठन शक्ति का वैभव ही, संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है। तो ये जो लगातार मध्य प्रदेश के अंदर विजय का इतिहास बन रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हमें लगातार विजयश्री हासिल मिल रही है। मैं एक बार सभी लोगों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, जीतू पटवारी ने कहा है कि महिलाओं के लिए असुरक्षित है मध्य प्रदेश और हर महिला अपराध में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल रहते हैं। देखिए, जिन्हें केवल झूठ बोलना है, जिन्हें केवल अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए कुछ भी कहना है,
तो कुछ भी तो कोई नहीं कह सकता है। झूठ का परसेप्शन बनाना, मैंने कल कहा था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को कांग्रेस के नेता अमूल से जोड़ रहे हैं, इससे बड़ा सफेद झूठ भी हो सकता है। दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो कहीं की चीज कहीं से लाके मध्य प्रदेश से जोड़ देते हैं, फिर डिलीट करते हैं, पहले ट्वीट करेंगे डिलीट करेंगे। इस झूठ का परसेप्शन कांग्रेस के पास केवल यही बचा है, और इसलिए मध्य प्रदेश पहला राज्य है। जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश के अंदर 2003 के बाद कानून व्यवस्था से लेकर हर चीज में अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो अपराधी बच नहीं सकता, चाहे कोई हो। और ये कोई आपकी सरकार नहीं है, और सर्टिफिकेट जनता देती है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर कहीं किसी ने विक्षिप्त मानसिकता के, समाज विरोधी तत्व, अगर इस प्रकार के लोग कोई इस प्रकार की घटना दुर्घटना करते हैं, तो ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बच नहीं सकते, उन्हें कानून तत्काल अपना काम करता है। कोई भी घटना, मैं किसी घटना की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी घटना अगर होती है तो उस घटना पर त्वरित कार्रवाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून कानून के तरह से काम करता है। ऐसे लोगों को जेल के सीकचों से लेकर के फांसी तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल छतरपुर गया, विधायक गए, कहा कि बहुत गलत कार्रवाई हुई है, लोग खौफ जदा है, भारी पीड़ा है, भारी मन दुखी है। सत्यवाई थोड़ा दिग्विजय सिंह जी का, इनका सबका, कांग्रेस के सबका मन दुखी है। अरे भाई, आप देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और भी कभी कोई चीजें होती हैं तो उनकी कभी चिंता करते हो, लेकिन आपको जिन्होंने देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर, जांच हो रही है और गंभीरता से हो रही है छतरपुर की घटना की, कि जो लोग थे वो किन से जुड़े थे, क्या कनेक्शन है इनके, इतना पैसा इनके पास कहां से आया, इतने संसाधन कहां से आए, और उन्होंने बिना किसी कारण के पुलिस थाने पर हमला क्यों किया, इसकी जांच हो रही है। और जांच में मुझे लगता है कि अब इस प्रकार की चीजें डाल करके आप प्रभावित करना चाहते हो तो प्रभावित नहीं होंगी, कानून अपना काम करेगा। केजरीवाल को जमानत मिली, उस पर जीतू पटवारी ने कहा कि न्याय की जीत हुई है और न्याय अभी भी जिंदा है। जीतू पटवारी ने फिर कहा कांग्रेस का काम इस समय क्या हो गया, नकारात्मक राजनीति करना और झूठ का परसेप्शन बनाना। आज जीतू पटवारी जी, जैसे कल विवेक तन्खा जी कह रहे थे कि एनडीटीवी और जो दिया है वो अमूल को पिछले दरवाजे से ला रहे हैं, 100% झूठ का परसेप्शन है। तो जीतू पटवारी की जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जरा उसको पढ़ लो और पढ़ करके बोलो कि कोर्ट ने क्या कहा है। माननीय न्यायालय ने, जो मेरी जानकारी में आया है, उसमें स्पष्ट कहा है कि आप किसी भी प्रकार की कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, आप कोई विशेष चीज होगी तभी आप इंटरटेन करेंगे। अब इतना रेस्ट्रिक्शन माननीय न्यायालय के द्वारा देना किसी मुख्यमंत्री को, ये सामान्य घटना नहीं है भारत के इतिहास की, ये भारत के राजनीतिक इतिहास की पहली घटना है जिस पर किसी मुख्यमंत्री को रेस्ट्रिक्ट होकर के आपको रहना है, और जब कोर्ट बुलाएगा तब आपको उपस्थित होना है। जीतू पटवारी जी, आप थोड़ा पढ़ लीजिए, माननीय न्यायालय ने जो कहा है ये साबित करता है कि जो आरोप आपके ऊपर है उन आरोपों में माननीय न्यायालय ने सत्यता देखी है और इसलिए आपको रेस्ट्रिक्ट किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि नैतिकता के आधार पर, ये तो बड़ी नैतिकता की बात करते हैं, अब नैतिकता क्या कहती है इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर, उसका जवाब मुझे लगता है केजरीवाल को, जनता को जरूर देना चाहिए। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर, 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।